Hello friends, welcome back to my YouTube channel SoHoSoft Solution, and this is 9th part of HTML full tutorial. Today I am going to explain types of tag in HTML. तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो के स्टार्ट करूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आपको बता दें कि HTML टैग दो तरह का होता है, पहला कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। अब जानते हैं कि कंटेनर टैग क्या होता है। कंटेनर टैग को पेयर टैग भी बोलते हैं। कंटेनर टैग वह होता है जिसकी ओपनिंग ओपनिंग टैग भी हो और उसकी क्लोजिंग टैग भी हो। जैसे कि एग्जांपल है HTML, HTML टैग को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी वह HTML डॉक्यूमेंट सही नहीं होगी और वह रन नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउज़र को पता ही नहीं चलेगा कि HTML या हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्लोज कहाँ हो रहा है। उसी तरह होता है हमारा हेड टैग। हेड यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। टाइटल टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक, अंडरलाइन और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिसको क्लोज करना ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है हमारा एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वह होता है जिसको ओपन तो करते हैं लेकिन उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एम्प्टी टैग के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि br। br हमारा लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। इन सारे टैग्स को मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी किसी भी HTML वेब पेज बनाने के लिए, तब मैं वहाँ पर बताऊंगी कि इन सारे टैग्स को किस तरह यूज़ करते हैं। br हमारा होता है लाइन ब्रेक के लिए, hr हॉरिजेंटल लाइन कहीं भी अगर ड्रॉ करना हो आपको तो उसके लिए HR टैग यूज़ होता है, img इमेज के लिए यूज़ होता है। इसी तरह और भी टैग्स हैं जैसे कि एरिया, इनपुट, बेस और इन सब के अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो एम्प्टी टैग्स होते हैं। आई होप आपको कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग समझ आ गया हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।